हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है हमारा ऊप्स। ऊप्स क्या होता है इसको हम डिटेल में देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊप्स क्या होता है? ऊप्स एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल ऑर्गेनाइज अराउंड ऑब्जेक्ट रेदर देन एक्शन एंड डाटा रेदर देन लॉजिक। ऊप्स एक पैराडिगम है। इसका मतलब है कि ऊप्स एक तरीका है प्रोग्राम लिखने का, जिसमें आप डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा को। इसके अंदर डाटा को आप एक्सप्लोर करते हो, ना कि आप इसमें एक्शन परफॉर्म करते हो, ना ही आप इसमें लॉजिक परफॉर्म करते हो, आप इसमें डाटा को एक्सप्लोर करते हो। मतलब कि आप इसे कह सकते हो ऊप्स एक सिस्टम है जिसके द्वारा आप डाटा को डिफाइन करते हो, डाटा के बारे में आप एक्सप्लोर करते हो, आप इसमें लॉजिक नहीं करते हो और आप इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते हो। दूसरे वर्ड में इसको देखते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और मेथड्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डाटा, while object oriented programming is about creating objects that contain both data and methods. procedure programming क्या होता है? procedure programming एक तरीका होता है जिसमें आप function के द्वारा कोई action perform करते हो, कोई operation perform करते हो, कोई logic लगाते हो। लेकिन objects में क्या होता है कि आप object को create करते हो और object से related आप उसमें data को explore करते हो, और ऑब्जेक्ट्स में दोनों होते हैं, डाटा होते हैं और मेथड्स होते हैं। अब ऊप्स के क्या एडवांटेज होते हैं इसको हम देखते हैं। ऊप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज सेवरल एडवांटेज ओवर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। ऊप इज फास्टर एंड इजियर टू एग्जीक्यूट। ऊप्स जो कि फास्ट होता है और आसानी से एग्जीक्यूट हो सकता है। ऊप प्रोवाइड्स ए क्लियर स्ट्रक्चर फॉर प्रोग्राम्स। ऊप्स प्रोग्राम के लिए क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ऊप मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रियूजेबल एप्लीकेशन विथ लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। ऊप्स के जरिए ये पॉसिबल होता है कि आप आसानी से रियूजेबल एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो लेस कोड के साथ और कम समय में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें पैटीरोन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।